जगदलपुर में सीआरपीएफ ने बस्तर शांति दौड़ का आयोजन किया। इस शांति दौड़ में सभी वर्ग के लोगों के साथ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस तरह के आयोजन के जरिए सीआरपीएफ इलाके में शांति का संदेश देना चाहती है। बस्तर में शांति और अमन कायम करने के लिए शांति दौड़ का आयोजन किया गया। बस्तर आईजी सुंदर राजपी के साथ कई अधिकारियों ने 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। बस्तर शांति दौड़ का उद्देश्य है कि बस्तर में शांति लाई जाए। बस्तर के मोर्चे पर सभी कंपनियां तैनात हैं और बस्तर को नक्सल मुक्त कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बस्तर के सभी लोग चाहते हैं कि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो। इसके लिए सरकार और बस्तर पुलिस प्रयास कर रही है और कई हद तक नक्सलवाद से बस्तर मुक्त भी हो चुका है। सीआरपीएफ के कमांडेंट ने बताया कि बस्तर शांति दौड़ का आयोजन इसीलिए कराया जा रहा है कि बस्तर में शांति रहे और बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो सके। बस्तर शांति दौड़ में लौंडीगुड़ा के 3 लोगों ने इस बस्तर शांति दौड़ में जीत हासिल की। इन तीनों विजेताओं को सीआरपीएफ के कमांडेंट के द्वारा सम्मानित किया गया। आज इस लालबाग मैदान में एक उत्सव का माहौल है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक 5 किलोमीटर के जो बस्तर शांति दौड़ इसमें हर्ष उल्लास के साथ भाग लिए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आप सभी अवगत है, पूरे देश की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा बल है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से बस्तर शांति दौड़ 5 किलोमीटर का इस दौड़ का आज सफल आयोजन आप लोगों के सामने हुआ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।